टीकमगढ़ जिले में दीपावली के शुभ अवसर पर अपने आराध्य श्री कृष्ण का सुमरण कर जगह जगह रंग बिरंगी पोशाकों में थिरकते नजर आए मोनिया। हम आपको बता दें कि दीपावली पूजन के पश्चात दूसरे दिन सुबह से आसपास के ग्रामीणों द्वारा रंग बिरंगी पोशाकों एवं ढोल नगाड़े की थाप पर थिरकते नजर आए। ग्रामीण मौन धारण करके सुबह कुंडेश्वर धाम मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर नगर में टोलियां बनाकर जगह जगह नृत्य करते नजर आते हैं। शाम अपने यथा स्थान पहुंचकर मौन व्रत तोड़ते हैं। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। कौन से गांव को कारी कारी कारी
आज आप लोग नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या है जी? ये डांस राधा कृष्ण की लीला है। क्या मौन क्या बोलते हैं उसको? मौनिया। अच्छा, किसके किसके उसमें मनाया जाता है? कैसे? श्री कृष्ण के उत्सव में मनाया जाता है। और कब कब चालू होता है आपका ये? चालू होता है जैसे मौनिया होती है, आज शाम को इसका विसर्जन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, कौन से पर्व पे? दीपावली जैसे? दीपावली, शुभ दीपावली। क्या? अच्छा अच्छा, किसमें क्या करते हैं? मौन धारण करते? हाँ, क्या मौन धारण मौन फार्मा है सब। अच्छा अच्छा, कितने लोगों की टोली रहती है? सुबह कितने बजे निकलते हैं आप लोग, कहाँ जाते हैं? कुंडेश्वर वापसी आए गाँव में, कुंडेश्वर भगवान के दर्शन करके वो सब लोग। बता क्या नाम आपका? हमारा नाम विनोद पाल है। कहाँ की हो? अधियानंदपुरा जी। आज जो मौनिया निकाले जा रहे हैं, इसका क्या है पूरा विधि विधान, कैसे निकालते हैं आप लोग बताओ? मौनिया इसलिए निकाले जाते हैं कि दिवाली को राम जी आए थे, उन्हीं की खुशी में दिवाली के दूसरे दिन मौनिया निकाले जाते हैं, क्योंकि मतलब राम जी के उत्साह में कि भी अपने मतलब युद्ध जीत के रावण को मार के अपने घर वापसी आए थे, इसलिए वे मौनिया निकाले जाते हैं। पहले क्या होता है, आप लोग कहाँ जाते हैं मौनिया लेके? हम लोग पहले कुंडे से जाते हैं भगवान के पास, उसके बाद फिर पूरा जिला टीकमगढ़ घूमते हैं जी, फिर उसके बाद फिर घर पहुँचते हैं। कितने बजे घर पहुँचते हैं? शाम शाम के 7-8 बजे। कितने लोग इसमें मौनिया नाचते हैं? हम लोग 10-11 आदमी रहते हैं पूरे, जिसमें 4 आदमी गावे बजावे वाले होते हैं, 8 आदमी नचे वाले होते हैं। एक महिला संघ है, सही पूरी पूरी गाँव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।